भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचंड जीत की ओर अग्रसर होने पर कांटाफोड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी की गई। भाजपाइयों ने ढोल नगाड़े व बैंड बाजों के साथ विजय जुलूस निकाला। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने पर प्रदेश में जश्नों का माहौल है। इस मौके पर कांटाफोड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी की गई, जहां भाजपा प्रत्याशी मुरली भवरा की बढ़त के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष महेश दुबे ने कहा कि भाजपा द्वारा चलाई गई जनकल्याणकारी योजनाओं के चलते मतदाताओं ने भाजपा सरकार पर विश्वास जताया है। 8-210 ये परिणाम तो ऐतिहासिक ही है, क्योंकि प्रदेश की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने सभी वर्गों के लिए जो कल्याणकारी कार्य किए हैं, आज उसी का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। देश में 166 और देवास 50। ये तो कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, कार्यकर्ताओं की जो लगन है और पार्टी के प्रति उनका जो समर्पण भाव है, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है और हम सभी देख भी रहे हैं कि जो योजनाओं का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश सरकार ने अंतिम छोर तक के व्यक्ति को पहुँचा है, वो कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित तो हुए और लाभान्वित होने का ही परिणाम है कि आज देवास यदि देखें तो 5-0 है और पूरे प्रदेश में यदि देखें तो स्पष्ट बहुमत से भी ऊपर सर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। शुरुआती दौर की मतगणना में आपकी लीड जो है 14-15 हज़ार तक जाती दिखी थी, जो अभी 8 हज़ार में सिर्फ। देखो कारण क्या है कि ये लीड को कितना रूप में आप देख रहे थे? कारण क्या है कि हर वर्ग हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं ग्राफ रहता है, बढ़ता है घटता है, ये तो एक सृष्टि का नियम भी मान लो आप, जो चीज़ें बढ़ती हैं घटती भी है, तो ये तो अंतिम में भी देखा तो कार्यकर्ताओं की मेहनत ने पुनः उस चीज़ को सम्मानजनक रखा है और ये उन कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव रहा है पार्टी के प्रति और बागली विधानसभा क्षेत्र। देखो मुख्य मांगे जन कल्याणकारी कार्य होंगे और जन कल्याणकारी कार्य अति शीघ्र और भी अच्छे रूप में मूर्त रूप में व्यवसाय या फिर शिक्षा के लिए आज भी वहाँ का युवा बाहर के सभी वर्गों के लिए सभी योजनाओं का क्रियान्वयन और मूर्त रूप और अधिक प्रयास के रूप साथ में दिया जाएगा। एक पूर्व विधायक द्वारा भी केवल भाषण में बोला गया था, आश्वासन दिया गया था, उसके बाद भी आज कार्यकर्ता संभव नहीं है। कारण क्या है कि बहुत सारी जो योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पे भी हो रहा है, सीएम राइज स्कूल हम देख रहे हैं बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ है और भी मूर्त रूप योजनाओं का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश से आए बागली में भी हो रहा है। आपके टिकट की घोषणा सिटिंग एमएलए को हटा के दी थी, बहुत बड़ी जवाबदारी थी आपके। बताया जा रहा है कि देवास जिले की 5 सीटों सहित प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सतवास।